साथ शेयर कर रहा हूँ कि सिंध एजुकेशन कमी जॉब्स की जो अनाउंसमेंट कर दी है, काफ़ी दिनों के बाद जो है ये मेरा पहला वीडियो है आपके साथ जो मैं मुखातिब हो रहा हूँ। और एक बात मैं आपके साथ और भी शेयर करता चलूँ कि हम अभी जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी, अर्निंग करने के बारे में भी हम जो है कोर्स करवा रहे हैं, और साथ ही में ऑनलाइन अर्निंग करने के भी कोर्स हम करवा रहे हैं। हम जो है अमेज़न के बारे में भी आपको जो है गाइड करेंगे, उनके भी हम कोर्स करवा रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप जो है इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो फिर आप जो है हमारे फेसबुक ग्रुप के कम्युनिटी का हिस्सा बन के आप वहां पे जो है मुकम्मल कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं। और आप लेक्चर सुनने के बाद आप जो है मुकम्मल आप हमसे जो है क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इनकी जो फ़ी है वो मंथली 1000 रुपी है। आप अभी अपना नाम रजिस्टर करवा लें, और डेली के बेसिस पे हम जो हैं अपने फेसबुक ग्रुप में जो हैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं नॉलेज इनकी। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप क्रिप्टो करेंसी या दीगर ऑनलाइन अर्निंग के जो है कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ से। अभी सिंध गवर्नमेंट ने जो है जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि ये जॉब्स जो हैं वो टोटली जो है रेगुलर बेस पे हैं, और इनकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 15 अप्रैल 2023 की, इसकी लास्ट डेट है। और ये जो जॉब्स हैं वो हैं फाइन आर्ट की जॉब्स हैं, जो कि ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स के लिए जॉब हैं। इनकी जो एज लिमिट है वो है 21 से लेकर 28 तक इनकी एज लिमिट है, और एज रिलेक्शन जो है 15 साल की, वो एज़ पर गवर्नमेंट के रूल से हिसाब से दिया जाएगा। इनका मेन जो पर्पज़ ये है, इनकी टेस्ट कंडक्ट नहीं होगी। अब ये उन लोगों को जॉब मिलेंगे जो जिन्होंने BPS 5 to 15 में ग्रेजुएट कैटेगरी में टेस्ट दिया था, और 14% की जो है मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं, वो इन जॉब के लिए अहल हैं, वो इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें जो है मुकम्मल जॉब्स की जो है तफसीलात भी दिए गए हैं, यहाँ पे मैं आपसे तफसीलात भी शेयर करता चलूँ। कराची जो कि ईस्ट के लिए वो 10 जो हैं सीट्स नशस्त किए गए हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूँ, कराची ईस्ट के लिए 26 हैं, कराची साउथ के लिए 22 हैं, कराची सेंट्रल के लिए 14 हैं, कराची मलीर के लिए 24 हैं, कराची कोरंगीली के लिए 13 हैं, कराची कश्मीर के लिए 14 हैं, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है 33 हैं, मटियारी के लिए 17 हैं, जामशोरों के लिए 18 हैं, टंडो मोहम्मद खान के लिए 15 हैं, टंडो अलैयार के लिए भी 15 सीटें, बदीन के लिए 28 हैं, थट्टा के लिए 18 हैं, सजावल के लिए 10 हैं, और दादू के लिए 33 है, मीरपुर खास के लिए 34 हैं, उमरकोट के लिए 28 हैं, थरपारकर के लिए 18 हैं, SABI शहीद बेनज़ीराबाद के लिए 38 हैं, नौशरे फिरोज के लिए 29 हैं, सांघर के लिए भी 13 है, सखर के लिए 31 हैं, खैरपुर के लिए 44 हैं, खोटकी के लिए 60 हैं, और लाड़काना के लिए 32 हैं, कंबर के लिए 22 है, शिकारपुर के लिए 26 है, जकबाद के लिए 19 है, कश्मीर के लिए जो है 20 जॉब्स ये जो है अनाउंसमेंट किए गए हैं। ये इन जॉब के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप जो है ये अपनी जो है रिक्रूटमेंट की ये पॉलिसी के हिसाब से आप जाके ये एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, ये मुकम्मल तरीक़ेकार हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट ऑन गिवन फॉर्मेट एड्रेस्ड टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कंसल्ट शुड बी सबमिट विद इन द क्लोजिंग डेट अलॉन्ग द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स CNIC पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी सर्टिफिकेट जस्टिफाइंग एलिजिबिलिटी डोमिसाइल डिसेबिलिटी एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शेल बी सबमिटेड रिजेक्ट। ये आपको जो है अब ये सखर वाले अभी जो सर्टिफिकेट देंगे, जो भी कैंडिडेट्स 14 यानी कि जिसके भी 40 मार्क हैं या 40 से ज़्यादा हैं, जो भी पास कैंडिडेट्स हैं, ये उनके लिए जॉब्स हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो 5% माइनॉरिटी के लिए, 5% डिसेबल के लिए, और 15% वुमन के लिए कोटा रखी गई है। उसके बाद जो है आप जो है अपनी द नंबर ऑफ वैकेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट आर आप जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हायर और सेकेंडरी स्कूल में जाके इनकी मालूमात ले सकते हैं।
अगर आपको इसकी और भी मालूमात चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में या तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर जॉब्स और एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक सो मच, अल्लाह हाफिज़।